फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से स्टेशन का वीडियो लेकर आए हैं। दिखाएंगे कैसा दिखता है मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को अजय भाई ने बनाकर भेजा है। अजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। यह है सर्कुलेटिंग एरिया मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। काफ़ी बड़ा जंक्शन है, 8 प्लेटफॉर्म है, 145 ट्रेनें यहां से गुजरती हैं, यानी उन ट्रेनों का यहां पर ठहराव है। 24 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, 25 ट्रेनें टर्मिनेट होती है। सोनपुर डिवीज़न के अंतर्गत ये मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन आता है। और कहें अगर बात तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे सोनपुर डिवीज़न, बारिश काफ़ी हो रखी है, चहला भी काफ़ी कुछ ज़्यादा हो रखा है यहाँ पर, कीचड़ वगैरह। और मेट्रो बनाई जा रही है, एक छोटी सी झलक हम आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम आप लोगों को स्टेशन से संबंधित कई अन्य भी जानकारियाँ देंगे। कई ट्रेनें भी चलती हैं, मुजफ्फरपुर पोरबंदर, मुजफ्फरपुर आनंद विहार सप्त क्रांति एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर सूरत एक्सप्रेस ट्रेन। तो काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन माना जाता है और लाखों की संख्या में इस रेलवे स्टेशन से जो यात्री हैं वो यात्रा करते हैं। ऊपर से भी हम आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिएगा, पिलर बनाने का काम चल रहा है मेट्रो के लिए, जैसा कि चारबाग रेलवे स्टेशन पर है। यहाँ पर देखिएगा, ये मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनाया जाएगा पड़ोस में ही, और उसको लिंक कर दिया जाएगा कि यहाँ से जो आपका फुट ओवर ब्रिज है वो आपके मेट्रो स्टेशन से भी लिंक हो जाए। मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी कई रूट गए हैं, सगौली जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन और सीतामढ़ी जंक्शन। तो इस तरह से ये जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ। डबल लाइन है, वो भी इलेक्ट्रिक लाइन्स के साथ, तो इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा ट्रेनों का संचालन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम आप लोगों को स्टेशन का नज़ारा दिखा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा जंक्शन है और जैसा कि मैंने बताया, 8 प्लेटफॉर्म है और दिन भर ट्रेनों का जो आवागमन है वो लगा रहता है यहाँ पर। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से छपरा तक 85 किलोमीटर नई रेल लाइन भी बिछाई जानी है। उसका क्या हुआ, उसके बारे में भी एक जानकारी हम आप लोगों को देंगे। और मुजफ्फरपुर के रास्ते छपरा से कटिहार तक चौथी रेल लाइन भी बिछाई जाएगी, उसके बारे में भी हम आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। तो फिलहाल पहले बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर से छपरा तक जो 85 किलोमीटर तक नई रेल लाइन बनाई जानी है, उसका क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम बता देते हैं। मुजफ्फरपुर में 195 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना था, जिसमें से 138 एकड़ अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। उसमें से जो बजट के लिए 41 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसमें से 30 करोड़ रुपए के करीब में जो ज़मीन अधिग्रहण की है वो किसानों को भी दिए जा चुके हैं। और इसके अलावा जो छपरा में आपकी भूमि अधिग्रहण का काम होना था, उसमें से 204 करोड़ में से 122 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण के पश्चात किसानों को दिए जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस परियोजना पर अभी भी काम उतनी रफ्तार से होता दिखाई नहीं पड़ रहा है जितनी रफ्तार से होना चाहिए था। फिलहाल जो बजट आया था उसमें 10 करोड़ रुपए आवंटन होने की बात कही गई थी। अब देखना होगा कि छपरा से जो आपके मुजफ्फरपुर की दूरी है वो लगभग 37 किलोमीटर कम हो जाती इस नई रेल लाइन के बनने से, और ये जो नई रेल लाइन है वो लगभग 85 किलोमीटर लंबी होती। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग स्टेशन का नज़ारा जो देखते जाइएगा, रेक भी ढेर सारे खड़े हुए हैं और एक तरह से पूरा हम आप लोगों को फुट ओवर ब्रिज के ऊपर से नज़ारा भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ रहा है। एक बात कहना चाहूँगा, बिहार में जो रेल लाइनें हैं उनका एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, और भी कई नेटवर्क इसमें डाले जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मुजफ्फरपुर छपरा नई रेल लाइन। तो फिलहाल जिस रास्ते से अभी ये लोग छपरा जाते हैं मुजफ्फरपुर से, उसके मुकाबले ये जो आपकी नई रेल लाइन है वो 37 किलोमीटर की बचत करेगी, 85 किलोमीटर में ही काम हो जाएगा। तो 37 किलोमीटर का मतलब हो गया एक तरह से 122 किलोमीटर की दूरी,
जिसमें से 37 कम कर देंगे तो 85 किलोमीटर में ही काम हो जाएगा। ये सब एक साल बनके तैयार। इसके अलावा बजट में छपरा से लेकर कटिहार तक 385 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसको भी डबल किया जाएगा, यानी कि पहले से तो डबल लाइन है ही है, तो छपरा से कटिहार तक एक और अप और डाउन लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए भी जो राशि का आवंटन है वो कर दिया गया है। तो इस तरह से ये जो दो परियोजनाएं मैंने आप लोगों को बताई, यहाँ पर देखिएगा मुजफ्फरपुर जंक्शन का जो टूरिस्ट मैप है वो लगा हुआ है। तो दो परियोजनाएं कौन कौन सी, एक मुजफ्फरपुर से छपरा तक नई रेल लाइन, दूसरी छपरा से मुजफ्फरपुर होते हुए कटिहार तक डबल लाइन का ट्रैक और बिछाया जाना। तो स्टेशन काफ़ी अच्छा है और साफ़ सफाई भी नज़र आ रही है। प्लेटफॉर्म का नज़ारा हमने आप लोगों को ऊपर से ही दिखाया, प्लेटफॉर्म पर नहीं गए। तो ये था एक अच्छा सा अपडेट मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। टिकट काउंटर देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।